हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्च का न्यूज़पेपर। सो 1 मार्च का जो न्यूज़पेपर है वो डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए चलते हैं न्यूज़ पे। जैसा कि आपको पता है, न्यूज़ पे चलने से पहले जो फॉर्मेलिटी करनी होती है, जो कि अपने चैनल के बारे में बताता हूँ। तो चैनल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो फॉर्मेलिटी है वो भी हो जाए मेरी। सो चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। तो चैनल में ये देखिए, आप जो है इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, आप टेलीग्राम जो है डाउनलोड करेंगे और सर्च बार में इसको सर्च करेंगे इस चैनल को, और वहाँ पे आपको ये चैनल मिल जाएगा जैसे ऑफिशियल, और इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप इजीली, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, आपको जो न्यूज़पेपर की पीडीएफ है वो मिल जाएगी, एंड जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पर, और जो इम्पोर्टेंट मैप लोकेशंस हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। आगे धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट होगा, बिकॉज मैंने भी स्टार्ट किया है। और जो यहाँ पे आप, अगर आपको वैसे चैनल नहीं मिल रहा, तो आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, इस लिंक को डाल सकते हैं उसके अंदर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जितने लिंक देता हूँ उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं। और आपको अगर मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना है तो आपको में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन दे दी आपको, और अब चलेंगे अपनी न्यूज़ पे, जो मेन अपना जो काम है न्यूज़ है, तो न्यूज़ के ऊपर चलेंगे अपनी, तो देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो ये चलेंगे अपने आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है 1 मार्च का, तो उसके ऊपर चलेंगे। फर्स्ट जो न्यूज़ है, इसरो पुट्स ब्राज़ील अमेज़ोनिया फर्स्ट 18 अदर सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। सो आपको पता है कल क्या हुआ है, कल जो इसरो है उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया है अमेज़ोनिया फर्स्ट। सो जानेंगे ब्राज़ील का, ब्राज़ील के साथ अपने रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो अब ये देखो, स्पेस एजेंसी कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। सो ये आपको दिख रहा है, जैसा कि ये पिक दिख रही है आपको, ये न्यू जो लॉन्च हुआ है, सो न्यू जो लॉन्च किया गया है सैटेलाइट जो इसरो के द्वारा, और इसरो जो है काफ़ी प्रगतिशील जो अपने को दिखेगी, बिकॉज काफ़ी जो अपने आत्मनिर्भर भारत को जो आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो द इंडियन जो इसरो की फुल फॉर्म है, पहले मैं बताता हूँ आपको, इसरो की फुल फॉर्म जो ये है आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है। सो द इसरो, जहाँ पे मैं ये रेड मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो इसरो इसकी फुल फॉर्म है, इसरो की फुल फॉर्म है ये, और ब्राज़ील ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेज़ोनिया फर्स्ट। तो अमेज़ोनिया जो फर्स्ट सेंड की जो भेजी है इन्होंने, सेंड क्या की है, सो वहाँ पे सैटेलाइट भेजी है। तो अभी ये क्या है, ये क्या काम करती है अमेज़ोनिया फर्स्ट, अमेज़ोनिया काम क्या करती है, ये जो वहाँ पे आपको देख, आपने देखा होगा कि अमेज़ोन जंगल के बारे में आपने सुना होगा, तो अमेज़ोन के जो जंगल है वहाँ पे, तो उनके ऊपर जो निगरानी रखेगी ये जो सैटेलाइट है, उससे रिलेटेड जो सैटेलाइट है ये अमेज़ोनिया। सो ब्राज़ील ने लॉन्च करवाई है किससे, इंडिया से। और पहले जो ब्राज़ील लॉन्च करवाता था किससे, चाइना से लॉन्च करवाता था, लेकिन अब जो है इंडिया से लॉन्च करवा रहा है। और ये आपको और भी न्यूज़ जो है इसमें देखने को मिलेगी, 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स, और 18 जो को पैसेंजर सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए हैं इंडिया ने, 5 फ्रॉम इंडिया, 5 जो है फिर सैटेलाइट्स वो इंडिया की थी, और 13 फ्रॉम यूएस, जो 13 जो सैटेलाइट्स थी वो यूएस की थी। और जो लॉन्च कहाँ पे की गई है, अपने ज़्यादातर जो लॉन्चिंग है वो कहाँ से करते हैं, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा से करते हैं अपने, ये आंध्र प्रदेश के तट पे है। तो आपको ये जो है पता होना चाहिए, तो किससे लॉन्च किया है ये, पीएसएलवी C-51। तो ये देखो मैं मार्क करता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दें, PSLV C-51 से लॉन्च किया है इसको इसरो के द्वारा। और जो मेन है अपने, जो मेन मेन है वो इसके ऊपर जो पढ़ लेते हैं मैं बता देता हूँ इसको, ये जो पैराग्राफ्स दिया हुआ बीच में, ब्लेजिंग ए ट्रेल। तो इसमें क्या है, जो 19 जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है वो ब्राज़ील की लॉन्च की गई है, जिसमें से एक अमेज़ोनिया फर्स्ट पॉपुलर है, और किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इंडिया के द्वारा, PSLV C-51। और 13 जो सैटेलाइट्स है वो यूएस की लॉन्च की गई है, और सैटेलाइट्स जो 5 है वो इंडिया की सैटेलाइट्स जो लॉन्च की गई है, जिसमें से एक जो स्टूडेंट्स ने बनाई है, जो स्पेस किड्स के जो स्टूडेंट्स हैं चेन्नई में, तो उन्होंने बनाई है। और ये सभी की सभी लॉन्चिंग है कहाँ से की गई है, ये
श्रीहरिकोटा से, और जो 78 जो सबमिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा से हो चुके हैं अब तक। और जो फर्स्ट डेडिकेटेड जो लॉन्च है न्यू स्पेस इंडिया, उन्होंने ये लॉन्च किया है। और 53rd जो फ्लाइट ऑफ इसरो वर्कहाउस लॉन्च व्हीकल PSLV, तो PSLV के थ्रू ये सारा का सारा काम हुआ है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। और जो इसरो है टेल रेट, अभी तक इसरो ने कितने लॉन्च जो कर दिए हैं फॉरेन, अभी तक जो इसरो ने है फॉरेन लॉन्च कितने कर दिए हैं, 342। तो 342 जो लॉन्च कर दिए हैं इसरो ने, तो इसरो ने 342 जो है लॉन्च कर दिए हैं फॉरेन के, और सैटेलाइट्स 34 कंट्रीज। अमेजोनिया फर्स्ट जो है वो ब्राज़ील की है, जो कि मिशन लाइफ 4 ईयर्स। जैसे कि आपको पता है अमेजोनिया को क्या कहते हैं, अमेजोन जो जंगल है उनको क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ, बिकॉज काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो इसलिए जो आप वहाँ पे ट्रीज वगैरह हैं इतने, तो इसलिए उनको लंग्स ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये न्यूज़ थी। और एक और इसी पेज पे न्यूज़ है, ये सैटेलाइट स्पेस लॉन्च ए हाई पॉइंट स्पेस टाइज से इंडिया ब्राज़ील। सो इंडिया, जैसे कि इंडिया के साथ जो अब लॉन्च किया है ब्राज़ील ने, पहले ब्राज़ील कहाँ से लॉन्च करवाता था, पहले जो ब्राज़ील लॉन्च करवाता था कहाँ से, चाइना के पास से। सो चाइना के पास से लॉन्च करवाता था ब्राज़ील, लेकिन चाइना आपको पता है चलाकियों से बाज नहीं आता है, तो चलाकियाँ तो करता ही, सभी के साथ ऐसे ही करता है। सो चाइना ने अब इनके साथ क्या किया था, जब इन्होंने फर्स्ट जो सैटेलाइट लॉन्च करवाई थी चाइना से, तो चाइना ने क्या किया, चाइना जो है इन्होंने मतलब कि ऐसे यूज़ किया कि टेक्निक जो ब्राज़ील को ना बताएं और टेक्निक जो है ब्राज़ील को बताना चाहिए, और सेकंड भी ऐसे ही इन्होंने लॉन्च किया, और जो थर्ड इन्होंने जो लॉन्च करना था वो फेल हो गया किसी न किसी वजह से। तो चाइना, इसलिए जो ब्राज़ील है वो चाइना से अब नहीं करवाता, और वो ब्राज़ील है वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा है कि इंडिया से जो है लॉन्च करवाए। सो ये इसलिए इंडिया से लॉन्च करवाए हैं, इंडिया से लॉन्च करवाने को जो ब्राज़ील ने देखा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अपने रिलेशन हैं इसके साथ ब्राज़ील के साथ, वो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे, जो आगे वाली न्यूज़ क्या है। सो जो म्यांमार में कंडीशन चल रही है वो तो आपको पता ही होगा, एटलीस्ट 18 जो डेड हो चुके हैं, 18 की डेथ हो चुकी है म्यांमार में। अब म्यांमार में क्या चल रहा है, म्यांमार वाले कह रहे हैं कि अब हमें आंग सान सू की लाकर दो, हमें नहीं चाहिए मिलिट्री रूल, तो मिलिट्री रूल इनको नहीं चाहिए। सो ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल सेड इट क्रिएटेबल इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही सही नहीं है। सो ये गवर्नमेंट जो है, जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वहाँ की जनता है वो क्या कह रही है कि आंग सान सू की को लाकर दे, जो हमारी पहले लीडर थी, हम तो उन्हीं को लीडर मानेंगे, लेकिन जो मिलिट्री रूल लग चुका है वो मानता नहीं है ये बात। तो उन्होंने क्या कहा है कि हम ही हैं अब मिलिट्री रूल। सो ये देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो म्यांमार में कंडीशन चल रही है, जैसा कि आपको पता है कि आंग सान सू की को जो है वो फोर्सफुली जो नज़रबंद कर दिया गया है आंग सान सू की को, और वहाँ पे बहुत ही बुरी कंडीशन हो रही है, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। तो ये जो कंडीशन देखने को मिलेगी वहाँ पे, लेकिन लोग अभी भी जो है आंग सान सू की को चाहते हैं कि वो हमारी लीडर बनी, तो ये कंडीशन है। तो क्वैड ने भी इस पे जो है कहा था कि हम जो है हेल्प करेंगे इसमें। तो क्वैड क्या है, क्वैड के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्वैड ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तो क्वैड के बारे में पता हो आपको। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज पे, US नॉट फॉर J&J 1 शॉट COVID-19 जैब। तो COVID-19 जैब जो US जो J&J है, जॉनसन एंड जॉनसन वो कंपनी है USA, तो USA की कंपनी है, तो इनको जो है इन्होंने अलाउ किया है कि आप क्या करेंगे, आप वन शॉट दे सकते हैं जो COVID-19 वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन। तो ये क्या कहा है, इनका जो ये पावरफुल है वैसे वैक्सीन, कैसे पावरफुल है, 85% इसकी एफिकेसी है, जो कि प्रोटेक्ट करेगी वायरस से के अगेंस्ट इतना। तो अब क्या है, इनकी जो वैसे नॉर्मली जो सभी जितनी वैक्सीन आई हैं उनकी जो है 2 डोज लेनी पड़ती हैं, 2 डोज के बाद ही अपने जो है रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इनका क्या है, इनका ऐसे है कि आप अगर एक शॉट भी ले लें, इनका एक शॉट भी अगर आप ले लें तो आप जो है रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज इसकी एफिकेसी कितनी है, 85%। तो ऐसा कहा गया है।
इसके जो जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा, तो इसलिए जो है अमेरिका ने इनको अप्रूवल दी है कि आप जो है वन शॉट दे सकते हैं, तो ऐसा देखने को मिलेगा। एक आगे वाली जो न्यूज़ है, वैक्सीन फॉर पीपल एज्ड 60 एंड अबव फ्रॉम टुडे। सो आज से जो है 1 मार्च स्टार्ट हो गया है, तो जैसा कि आपको पता है कोविन पे रजिस्टर करना है, जो कोविन पोर्टल है उस पर रजिस्टर करना है, या फिर आप इस पर कर सकते हो कल जो न्यूज़ में बताया गया था, या फिर आप जो है आरोग्य सेतु ऐप पर जो है रजिस्टर कर सकते हैं। सो आरोग्य सेतु पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, इससे फिर आप जो है वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप पे वैक्सीन जो है लग सकते, तो ऐसा जो बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और जो कहाँ से कहाँ तक की लगेगी जो वैक्सीन, अब लगेगी सो वो 45+ के जितने हैं उनको लगेगी, ये जो है एज वाला दिया हुआ है। सो और प्राइवेट जो है बेचेगा, कितने बेचेगा वो 250 के अंदर जो है बेचेगा, उससे कम ही बेचेगा, 250 या 250 के अंडर में, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं दे सकता एक जो डोज है। सो ये एक न्यूज़ थी जो आपको देखने को मिलेगी। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे, आगे जो है न्यूज़ क्या है सो उसके बारे में देखेंगे। एडिटोरियल वाला पेज जो अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं वो बाद में देखेंगे आगे वाली जो वीडियो है। सो एक जो अब चलेंगे अपने पेज नंबर 6-8 पे, पेज नंबर 8 पे चलेंगे अपने। पेज नंबर 8 पे वही न्यूज़ होती हैं जो पेज नंबर 1 की न्यूज़ होती है, तो ये अपनी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए अपनी ये डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ये ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ हैं कवर कर चुके हैं। एटलीस्ट 18 जो तो म्यांमार के बारे में देख चुके हैं, नोड के बारे में देख चुके हैं अपने, और ये CSIR लैब हेल्प डेवलप की मॉलिक्यूल और कोवैक्सीन। सो ये CSIR जो उन्होंने एक की रोल प्ले किया है किसके अंदर, कोवैक्सीन के अंदर, जो कि भारत बायोटेक वालों के द्वारा डेवलप की गई है, तो इसलिए इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, सीखना अपना है कि इनका इंटरनल मैटर जो इन्होंने किया है। सो अपने देखेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है। सो जो आगे पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है वो मोदी डज नॉट हाइड हिज पास्ट। तो ये गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से बयान दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाईलाइट किया है, तो बता देते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अब इसने क्या बताया गुलाम नबी आज़ाद ने, इन्होंने कहा है कि मोदी जी ने कभी भी, इन्होंने प्रशंसा की उनकी कि उन्होंने कभी भी कि अपने पास्ट को नहीं छुपाया है। उन्होंने कहा कि वो जैसे कि छोटा सा बिजनेस करते थे पहले, चाय बेचते थे, तो उन्होंने बताया कि हम हाँ हाँ मैं चाय बेचता हूँ। तो गुलाम नबी आज़ाद कौन है, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इसलिए इसको ज़्यादा अपने हैं हाईलाइट। सो पेज नंबर जो आगे न्यूज़ है, पेज नंबर 9 पे ही न्यूज़ है, PM कॉल फॉर वाटर कंजर्वेशन ड्राइव। सो वाटर कंजर्वेशन के लिए PM ने कहा है, देर इज ए लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर ऑफ साइंस टू आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, वी हैव टू मूव साइंस फॉरवर्ड विद द मंत्रा ऑफ लैब टू लैंड। सो ये PM मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि PM मोदी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं किसको, जो वाटर कंजर्वेशन जो प्रोग्राम है उसको, बिकॉज आपको पता है वाटर की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे कि आपको लगभग आपको एक न्यूज़ पता होगी कि पंजाब में जो भी वाटर है वो लगभग ख़त्म सा हो चुका है, बिकॉज काफ़ी जो सीवियर कंडीशन है पंजाब में, बिकॉज जो ग्राउंड वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है, बिकॉज काफ़ी कम बचा है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर का काफ़ी यूज़ होता है खेती के अंदर, तो ये आपको नॉर्मल सी बात है, ये पता होगी आपको। और जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने अब जो कैंपेन लॉन्च किया है, कौन सा, 100 डे कैच द रेन कैंपेन। सो 100 डे जो है जो लॉन्च करेंगे, तो जो कि कैच द रेन मतलब कि बरसात को पकड़ो। सो इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू जो कंजर्वेशन का जो अभियान है वो चलेगा। सो ये आपको देखने को मिलेगा, और PM मोदी जी ने इनका मन की बात में भी इनका जिक्र किया है ये। और अब की बात, जैसे कि आपको पता होगा जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है वो न्यू बनी है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है वो इसी के लिए बनी है, बिकॉज जो प्रॉब्लम है पानी की वो आगे फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, जैसे कि ऐसे इसका यूज़ होता रहा तो ग्राउंड वाटर का, तो इसलिए जो है ये बातें की गई हैं इनके द्वारा। यहाँ ये आर्टिकल होता है ख़त्म। तो आगे चलेंगे अपने पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे जो Phase 2 ऑफ वैक्सीनेशन बिगन्स टुडे। तो पेज नंबर 2 पे बताया गया है कि जो वैक्सीनेशन है वो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि आज से, बिकॉज आज क्या है, आज है 1 मार्च, तो आज क्या है
आज 1 मार्च है, तो 1 मार्च के दिन जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो आपको देखने को मिलेगा ये। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज पे। 1 मार्च, सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज पे, आगे देखेंगे अपने टाइम कोड। सो नीड टू रीसेट इंडिया चाइना ट्रेड टाइज। सो इंडिया चाइना ट्रेड टाइज के बारे में न्यूज है ये, बिकॉज आपको पता है अभी डिसएंगेजमेंट देखने को मिल रहा है, तो जैसे उनकी मिला है वैसे डिसएंगेजमेंट हो चुका है। और लेकिन क्या हुआ है, अब अपने जो है रिलेशन है वो पूरी तरह से लगभग बिगड़ से चुके हैं चाइना के साथ। तो इन्होंने कहा है श्रृंगला ने कहा है तो इन्होंने कहा है कि जो हम हैं फिर से जो रिस्टोर करें चाइना के साथ रिलेशन, तो जिससे कि व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ठीक से हो सके हमारा। तो ये बातें जो है इनके द्वारा कही गई है, हाईलाइट की है, आप चाहें तो पढ़ सकते। तो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली जो न्यूज़ है वो क्या है, सो सूर्य किरण जो है सारंग वो तैयारियां कर रहा है। किसकी तैयारियां कर रहा है, बिकॉज श्रीलंका में एयरफोर्स का प्रोग्राम है, तो एयरफोर्स का प्रोग्राम है तो सारंग जो है तैयारियां कर रहा है, तो इसमें टीम्स जाएंगी। अब जो क्या है वहाँ पे श्रीलंका में, श्रीलंका में 70 जो एनिवर्सरी है सेलिब्रेशन ऑफ द श्रीलंकन एयरफोर्स, तो श्रीलंकन एयरफोर्स की जो 70 एनिवर्सरी है, सो उसके रिगार्डिंग ये तैयारियां कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके ये है प्रोग्राम दिखाएंगे, तो ये जो देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे कौन कौन जाएंगे, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। सूर्य किरण के बारे में आपको एक बात पता होगी, मैंने भी सूर्य किरण का ये जो है देखा हुआ है, जो ये करते हैं कलाबाजियाँ दिखाते हैं, सो ये देखा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, ये कलाबाजियाँ दिखाते हैं, देखो ये जैसे कि ये सूर्य किरण का ही ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ये सूर्य किरण के, और फाइटर जेट भी जो इनके हैं उड़ते हैं, तो ये इधर उधर घूमते हैं, उल्टा टेढ़ा करते हैं, मैंने देखा है इनको, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। काफ़ी मतलब कि हैरान करने वाले जो हैं करतब टाइप से ये दिखाते हैं, तो जैसा कि डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है ये ऐसे मतलब कि पोजिशन बनी होती है इनकी, तो ये सूर्य किरण का प्रोग्राम है ये सारा। तो ये जो बताया गया है कि सूर्य किरण जो है तैयारियाँ कर रहा है, बिकॉज 70 जो एनिवर्सरी में है वो शामिल होगा श्रीलंका की जो एयरफोर्स की एनिवर्सरी। तो ये न्यूज़ थी एक। तो अब चलेंगे अपने आगे आगे वाली न्यूज़ पे चलेंगे, आप आगे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पेज नंबर जो 11 और 12 है वो इजीली स्किप कर सकते हैं, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, बिकॉज ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती नहीं है इस पर, तो इसलिए। तो पेज नंबर 13 पे भी आज कोई नहीं है, तो मनी वाइज जो पेज आता है पेज नंबर 13 का मंडे को, आज कल जो है न्यूज़ आई है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस की आज कोई न्यूज़ नहीं है। सो पेज नंबर 14 पे चलेंगे, चाइना की न्यूज़ है। चाइना तो मानता नहीं है भाई, चाइना का क्या करें। सो चाइना पार्लियामेंट टू मोर एक्सपेंडेड बॉर्डर ड्रोन यूज़। तो उन्होंने कहा है कि बॉर्डर पे क्या किसका यूज़ करेंगे, ड्रोन का, कि हम फिर भी जो है यहाँ पे जो यूज़ है ड्रोन का करेंगे, तो ऐसा उन्होंने बताया। देखते हैं क्या कंडीशन देखने को मिलती है, LAC पे ये यूज़ करेंगे किसका, ड्रोन का। तो ये पूरी पूरी जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है, देखते हैं क्या बनता है इसका। तो ये चाइना की तरफ से कहा गया है कि हम जो डिप्लॉय करेंगे किसको, ड्रोन। तो ड्रोन जैसा कि आपको पता है ड्रोन का यूज़ साइंस एंड टेक की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो अब ड्रोन का यूज़ इसमें भी होगा बॉर्डर के ऊपर। सो गलवान में ये यूज़ करेंगे किसका, ड्रोन का। तो ऐसा बस यही न्यूज़ है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है जो कि आपको न्यूज़ देखने को। सो ट्रंप कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, अब चला गया है ट्रंप। सो गोल्डन ग्लोब्स टू लॉन्च अवार्ड सीजन। सो ये अवार्ड सीजन लॉन्च होने वाला है, जैसा कि आपको पता है, अगर आगे कोई जब ये लॉन्च होता है कोई न्यूज़ आती है तो इसके बारे में पढ़ेंगे, कि कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। अब ये क्या है, ये जो लॉन्च होगा द ट्रायल ऑफ शिकागो 7, द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 जो है वो लॉन्च होगा, तो बाद में देखेंगे इसके बारे में जब ये लॉन्च होगा, अभी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसके बारे में। तो आज के लिए इतनी ही न्यूज़ थी जो कि आपको पढ़नी थी। तो अब जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ है वो आगे वाली वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मोटिवेशन मिले। तो थैंक्स गाइस, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं मेंस की वीडियो में।